विधानसभा चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी करतूत कर रहे थे जो शायद सोचकर भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा विधानसभा का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखकर हर कोई हैरान है और कह रहा है कि ये नेता है जो जनता द्वारा चुने गए हैं। दोस्तों शर्मसार कर देने वाला मामला है, क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा जब चल रही थी तो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने मोबाइल में फॉरन वीडियो देखता हुआ पकड़ा गया और पीछे से किसी ने उसकी वीडियो बना ली और इंडिया टुडे ने यह वीडियो जारी किया है और सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता की काफी किरकिरी हो रही है और त्रिपुरा भाजपा से अब इस पर जवाब मांगा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यह नेता जादव लाल नाथ त्रिपुरा के बागबासा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और कथित तौर पर फॉरन वीडियो देखते हुए पकड़े गए हैं, वो भी त्रिपुरा की विधानसभा के अंदर। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के दौरान जादव लाल नाथ अपने टेबलेट पर फॉरन देख रहे थे। वो जब फॉरन देख रहे थे तब किसी ने पीछे से उनका वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विधानसभा से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार यानी कि 27 मार्च की है, जहां जादव लाल नाथ सीपीआई के कार्यकर्ता थे और 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जादव लाल ने 2018 में सीपीआई के उम्मीदवार और पूर्व स्पीकर रामेंद्र चंद्र देवनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। हाल ही में चुनाव हुए और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से भाजपा से चुनाव लड़ा और अब की बार वह जीतने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की करतूत पर भाजपा ने क्या कहा है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा है कि कल रात को मीडिया के माध्यम से हमें इस प्रकरण की जानकारी हुई है। रात को मेरी बात जादव लाल नाथ से बात हुई है। मैंने आज उन्हें बुलाया है। पार्टी की ओर से उन्हें एक नोटिस भी जारी किया जाएगा। हम उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। विधायक जादव लाल का कहना है कि यह साजिश के तहत किया गया है। इस पर वह अपना स्पष्टीकरण पार्टी को देंगे। दोस्तों यह पहली बार नहीं है कि किसी नेता को विधानसभा में फौरन देखते हुए पकड़ा गया हो। इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला साल 2012 में कर्नाटक विधानसभा के सामने आया था। कर्नाटक सरकार के दो मंत्री राज्य की विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखते पकड़े गए थे। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान तत्कालीन सहकारिता मंत्री लक्ष्मण सावदी और महिला और बाल कल्याण मंत्री सीसी पाटिल मोबाइल पर अश्लील क्लिपिंग देख रहे थे। लक्ष्मण सावदी और सीसी पाटिल की यह हरकत विधानसभा की कार्रवाई को कवर कर रहे एक स्थानीय चैनल के कैमरे में पकड़ी गई थी। जिस समय दोनों मंत्री विधानसभा में अश्लील क्लिपिंग देख रहे थे, विधानसभा में बेहद गंभीर चर्चा हो रही थी, लेकिन दोनों मंत्रियों की इस बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों अश्लील क्लिपिंग देखने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे थे। कर्नाटक की यह घटना लोकतंत्र के इतिहास में पहला मौका था जब विधानसभा के अंदर कोई मंत्री अश्लील वीडियो देखते हुए पाया गया। कर्नाटक में जब यह मामला सामने आया तो वहां की तत्कालीन भाजपा सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। विपक्ष ने जमकर निशाना साधा था। कर्नाटक की विपक्षी पार्टी जनता दल सेकुलर के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी इस घटना को लेकर लोकतंत्र पर काला धब्बा बता रहे थे, और अब फिर भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता की ऐसी करतूत सामने आई है जिसके चलते भाजपा गिरी हुई है और कोई जवाब नहीं दे सकती। आपको बता दें कि जैसे कर्नाटक विधानसभा में पकड़ा गया था यह मामला, ऐसे ही अब त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया इस अश्लील वीडियो देखते हुए। और दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं भाजपा नेता के बारे में जो हम आपको शायद पढ़कर भी नहीं सुना सकते। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे विधानसभा में जहां पर राज्य की तरक्की की बात होती है, जहां पर राज्य में क्या कुछ होना है उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है, वहां पर बैठकर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता का पकड़े जाना, वो भी अश्लील वीडियो देखते हुए अपने मोबाइल में। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को क्या भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर देना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई और अन्य कार्रवाई करेगी या फिर इसका बचाव करेगी? आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।